Hello students, in today's session that we deal about the blood platelets. That's the third type of the blood cells. That's the blood platelets. Platelets. Blood platelets, they are also known as the thrombocytes. What we call as the thrombocytes. They are also called as the thrombocytes. इनको हम thrombocytes भी बोलते हैं, thrombocytes. अगर हम इनका देखेंगे दैट इनका साइज, इनके साइज के बारे में अगर हम बात करेंगे दैट दे आर 2 to 3 माइक्रोमीटर, दैट दे आर 2 to 3 माइक्रोमीटर. ये कितने होते हैं? 2 to 3 माइक्रोमीटर्स होते हैं, स्मॉलेस्ट साइज होते हैं, स्मॉलेस्ट साइज्ड. तो अगर हम देखेंगे ये थ्रोम्बोसाइट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, फाउंड इन वर्टिब्रेट्स अदर देन मैमल्स. गॉट इट? इट इज फाउंड इन द वर्टिब्रेट्स अदर देन मैमल्स. प्लेटलेट्स, इट इज फाउंड इन वर्टिब्रेट्स अदर देन मैमल्स. तो अगर हम इनका ये लाइफ स्पैन देखेंगे, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स? लाइफ स्पैन अगर हम इनकी बात करेंगे, इट इज 2 to 4 to 5 days. अगर हम इनका काउंट देखेंगे, टोटल प्लेटलेट्स काउंट अगर हम देखेंगे, 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर. तो ये इनमें न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो एब्सेंट ही होता है. तो कहाँ से बनते हैं? व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स? इनकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है? मैगाकैरियोटिक सेल्स ऑफ बोन मैरो. जो मैगाकैरियोटिक सेल्स होते हैं बोन मैरो की, वहीं से बनते हैं. मैगाकैरियोटिक सेल्स ऑफ बोन मैरो, सेल्स ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो. तो कैसे इसकी शेप के होते हैं? तो शेप, रिगार्डिंग द शेप, अगर हम इनकी शेप देखेंगे तो ओवल शेप्ड होते हैं या डिस्कॉइड होते हैं, डिस्कॉइड या ओवल शेप्ड होते हैं. इनका कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, कलर होता ही नहीं है, सो दे आर कलरलेस होते हैं. तो अगर हम देखेंगे, फिर से मैं बोलूँगा, जो प्लेटलेट्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज अ थ्रोम्बोसाइट्स, फाउंड इन द वर्टिब्रेट्स अदर देन द मैमल्स. गॉट इट? तो अगर हम इनका देखेंगे, साइज 2 to 3 माइक्रोमीटर होते हैं, स्मॉलेस्ट साइज. लाइफ स्पान अगर हम देखेंगे, 2 to 4 to 5 डेज होते हैं. टोटल ब्लड प्लेटलेट काउंट 1.5 to 3.5 लैक्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं. तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. कहाँ से बनते हैं? मैगाकैरियोटिक सेल से बनते हैं और बोन मैरो से. गॉट इट? अब और अगर इनका इससे हुआ, इनका काउंट तो 1.5 to 3.5 लैक्स होते हैं, अगर इसका काउंट इनसे, इनका नंबर जो है डिक्रीज हो गया, देन वी कॉल इट एज अ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. व्हाट वी कॉल सर? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. नाउ व्हाट इज द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? इट इज द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स. अगर इनसे ये नंबर 1.5 टू 3.5 लाख से डिक्रीज हो गया, इनका नंबर कम होगा ये नो ब्लड में, देन वी कॉल इट दिस कंडीशन एज अ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. क्या बोलते हैं? सो डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड एज द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. इसी तरीके से थ्रोम्बोसाइटोसिस किन को बोलते हैं? अगर इनका नंबर इस नंबर से ज्यादा होगा ब्लड में, देन वी कॉल इट अ थ्रोम्बोसाइटोसिस. नाउ व्हाट वी कॉल सर? Thrombocytosis. What is the thrombocytosis? It is the increase in the number of blood platelets. If the number is less than the critical count, then red spot. अगर हम देखेंगे thrombocytosis का मतलब increase in the number of the blood platelets. Total, you know, जो इनका count अगर इससे ज्यादा होगा, then we call it the thrombocytosis. अगर इस count से कम होगा, thrombocytopenia. अगर कम होता है, if there would be the number is less than 1.5 to 3.5 lakhs, if the number is less than the critical count, then red spots appears on the body. Red spots or rashes appears on the skin. Skin पे क्या होते हैं? Rashes होते हैं. क्या होते हैं? Rashes होते हैं. Red rashes होते हैं skin पे. Appears on the skin. And we call this condition as a purpura disease. What we call the purpura disease. याद रखना. Purpura disease. What is a purpura disease? Purpura disease is a disease when there would be the less than, when there would be the number of platelets is less than the critical count.
Then red spots or rashes appears on the skin and we call this as a purpura disease. इसको हम पुरपुरा डिजीज बोलते हैं. सो प्लेटलेट्स को याद रखना है, इनका शेप, कलर, थ्रोम्बोसाइट्स इनको बोलते हैं, साइज इनका इतना होता है, लाइफ स्पान काउंट, न्यूक्लियस नहीं होता है, कहाँ से बनते हैं मेगाकेरियोटिक, अगर इनका नंबर कम होगा तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगर इनका नंबर ज्यादा होगा तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, अगर नंबर कम होता तो स्किन पे रैशेज, रेड रैशेज अपीयर्स होते हैं एंड वी कॉल दिस एज अ पुरपुरा डिजीज. क्या बोलते हैं? पुरपुरा डिजीज हम इसको बोलते हैं. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स? ब्लड प्लेटलेट का फंक्शन क्या है? सो व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स? द फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग. सो ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में ये मदद करता है. इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग इज द फर्स्ट फंक्शन. द सेकेंड फंक्शन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स इज दैट इज ऑन इंजरी साइड वेयर देयर वुड बी द इंजरी ऑफ द ब्लड वेसल. फॉर एग्जाम्पल द ब्लड वेसल, यहाँ पे तो इंजरी साइट है, तो यहाँ पे क्या काम करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स? What the platelets do? The blood platelets release many platelet factors and an enzyme called as a thromboplastin. Thromboplastin. And this thromboplastin is a prothrombin activator. मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है इट इज रिगार्डिंग द यू नो ब्लड क्लॉटिंग, तो तब जाके आपको समझ आ जाएगा. दो थ्रोम्बोप्लास्टिन इज द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. व्हाट इट इज? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. एट दिस प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन विच गेट रिलीज फ्रॉम द प्लेटलेट्स एंड इट इज द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग. सो ब्लड क्लॉटिंग में ये मदद करता है, आपको याद रखना है, जो ब्लड प्लेटलेट्स है ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, क्योंकि जो प्लेटलेट्स है ये बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करता है, जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है. जो ये प्रोथ्रोम्बिन है इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग. Go thromboplastin get released from the platelet. Not only it, the third function of the blood platelet is that is it secretes vasoconstrictor called as a serotonin. तो ये serotonin को secrete करता है. Serotonin जो है vasoconstrictor है. Vasoconstrictor that it helps in the construction of the blood vessels. And this serotonin that it is derived from the tryptophan. कहाँ से बनता है? Tryptophan. Tryptophan अगर हम देखेंगे इज अमीनो एसिड, जहाँ से serotonin बनता है. So these three functions आपको याद रखना है. तो जो ब्लड प्लेटलेट्स है इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग, जो एट द इंजरी साइट, तो ऑन द इंजरी साइट दिस ब्लड प्लेटलेट्स दैट दे रिलीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड इट रिलीजेस एन एंजाइम कॉल्ड एज अ थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन इज अ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर विच ऑल्सो हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग. नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन द इट ऑल्सो सिक्रेट्स द सेरेटोनिन विच इज अ वैसो कंस्ट्रक्टर. गॉट इट? इट ऑल्सो सिक्रेट्स अ वैसो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एज अ सेरेटोनिन विच गेट डिराइव फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन. नाउ द सेकेंड टॉपिक ऑफ द दिस ब्लड platelet, it was all about the blood platelets. Now we will move towards the blood clotting.